प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। ये समिट 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी और इस समिट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। साथ ही पीएम को वीरता के प्रतीक चंदन की लकड़ी से बनी तलवार भेंट की। वहीं पीएम मोदी ने जयपुर में एक प्रदर्शनी को देखा और कारीगरों शिल्पकारों से बातचीत की। समिट में मुख्यमंत्री ने संबोधित कर कहा कि हम 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। ये समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी। हमने राज्य बजट में पूंजीगत व्यय को पिछले बजट के मुकाबले 65% बढ़ाया है। साकार करने के लिए हम 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमने राज्य बजट में पूंजीगत व्यय को पिछले बजट के मुकाबले 65% बढ़ाया है। राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी दोगुना से अधिक हुआ है।